नबी अकरम शफी आजम दुखी दिलों का सलाम ले लो। नबी अकरम शफी आजम दुखे दिलों का पयाम ले लो। हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नश पा गई दुनिया, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो दुनिया को जीने का शऊर आया। ईद मिलादुल नबी का महीना, मुकद्दस महीना, कि जिसके अंदर वो हस्ती, उस हस्ती की आमद होती है कि जिसको अल्लाह ताला ने रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा, तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। ये दिन तमाम जहानों के लिए खुशियों का दिन है। इस दिन पे पूरी इंसानियत जो है वो खुशियाँ मनाती है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमली वाले आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करते तो पूरी दुनिया को पैदा ना करते। आज जामिया मस्जिद नूर के मदरसा जो है नूरुल कुरान के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने तलबा ने ईद मिलाद नबी का जो है ये जुलूस निकाला है, और बड़ा रूप परवर जुलूस है कि जिसके अंदर तमाम शुरका जो है वो नबी पाक सल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा आलीशान और ये जुलूस आगे बढ़ता जा रहा है, और इस जुलूस की खसूसियत ये है कि ये लियारी के इलाके में जो है इस ये जुलूस जो निकल रहा है। चलते हैं, बात करते हैं शुरका से, और आपको मजीद जो है इस जुलूस के बारे में आगाही देते हैं। हमारे बच्चों को बड़ी दिलचस्पी होती है, वो पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस माए जुलूस का, और बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि उस्ताद साहब ये जुलूस कब निकलेगा, बार बार कहते रहते हैं। तो इनको भी बड़ी खुशी होती है और हमें भी खुशी होती है, और इससे बच्चों का एक जज्बा बढ़ता है कि वो सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत इमामा शरीफ वगैरह को अपनाते हैं, और इस तरह इनको एक जज्बा नमाज भी मिलता है, हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क भी नसीब होता है। ये हमारी तो कोई औकात नहीं है, ये अल्लाह पाक का फजल है, ये काम अल्लाह पाक लेता है, जिसे चाहे उसे खड़ा कर दे। मासूम बच्चों के दिलों में अल्लाह पाक ने डाला, आज हमारे दिलों में अल्लाह पाक ने डाला, ये कुछ अता किया कि वो जोक वो शौक वो जज्बा आपके सामने है, पूरी दुनिया में है, कौन से कायनात में नहीं हो रहा उसका जिक्र। जहाँ अल्लाह का जिक्र होगा वहाँ रसूलुल्लाह का जिक्र होगा, जहाँ पर आज़ान होगी वहाँ रसूलुल्लाह का जिक्र होगा। कायनात में कोई ऐसा वक्त नहीं हो जिसमें एक वक्त एक सेकंड भी जिक्र अल्लाह का रसूल का बंद हो। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे लगाकर झंडे लहराकर घर सजाकर मोमबत्ती सजाकर जश्न विलादत मनाते हैं। आका की आमद हम लोग ऐसे मनाते हैं, इमामा पहनते, नालेल पाक लगाते, घर सजाते, झंडे लगाते। पहले तो मैं सब आलम दीन और सारे मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देता हूँ। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे जुलूस होने चाहिए, हम पुरजोश है इस चीज़ पर, और हम सब ये बहुत ही जज्बे से मनाते हैं, हमारे आका की विलादत का दिन है ये। नन्हे फरिश्तों का रूह परवर जुलूस जब इख्तिताम को पहुंचा तो नन्हे फरिश्तों ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत को लफ्ज़ों की माला में पिरोया। मोहम्मद की गुलामी,
दीन हक की शर्त अव्वल है, किसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ मुसव्वर अली बलोच, सलामती न्यूज़, कराची। मरहबा।